गुड मॉर्निंग एवरीवन, e4u.in में मैं एक आपके लिए बढ़िया खबर लेके आ रहा हूँ। यह e4u.in गूगल में आप सर्च करेंगे, जो पहला रिजल्ट है वहाँ पर आप चले जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको न्यूज सेक्शन दिखा रहा हूँ। न्यूज, ये हमारा न्यूज सेक्शन है, यहाँ पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे एक बढ़िया खबर मैं दिखाने वाला हूँ। रीवा न्यूज 11 मेरा ये न्यूज है, न्यूज पोर्टल है। यहाँ पे देखिए, एमपी सेड में 50,000 नई भर्ती करने की तैयारी में है। अब अभी आप लोग को बता दें कि सेड मैप जो पिछला रिजल्ट है जारी नहीं किया है और 50,000 नई भर्ती करने की तैयारी में है। शासन अध्यापन को छोड़कर सेड मैप से 50,000 नई भर्ती कराना चाह रहा है। और आपको बता दें कि जो 20,000 भर्ती नगर निगम के, मतलब खबर आपको मिल रही है कि 20,000 भर्ती होने वाली है नगर निगम की, पूरी संभावना है कि सेड मैप के द्वारा इस बार कराई जाएगी। और सेड मैप का नाम कितना अच्छा है आप लोग समझ सकते हैं। अभी पुरानी भर्ती का रिजल्ट आया नहीं है। आप मध्य प्रदेश के सभी विभाग में सेड मैप के द्वारा 50,000 भर्ती कराने की योजना बना रही है एमपी सरकार। ये खबर भोपाल से निकल के आ रही है, आप देख सकते हैं, पूरा पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य बातें जो हैं मैं पढ़ के बता देता हूँ। मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सरकार अब 50,000 और भर्ती सेड मैप के माध्यम से कराने जा रही है। सेड मैप अभी पिछली भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं कर पाया है, कई इंटरव्यू रोके गए हैं, लेकिन सरकार का मानना है कि लोगों के मन में व्यापम के प्रति गुस्सा है और विश्वास उठ गया है, इसलिए अब व्यापम को छोड़कर सेड मैप के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार 50,000 पदों को भरने जा रही है। सेड मैप के द्वारा भरे जाएंगे 50,000 पद। आपको बता दें कहां कहां भरे जाएंगे, कैसे भरे, आपको बता दें कि सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है सेड मैप के द्वारा 50,000 पद भरने की संभावना यह बन रही है कि जो नगर निगम में 20,000 पदों की खाली 20,000 पदों की भर्ती खाली है, अब वह सेड मैप के द्वारा भरी जाएगी। 30,000 अन्य और पद भी हैं जिन्हें सेड मैप के द्वारा भरा जाना है। व्यापम का नाम खराब होने के कारण सरकार सेड मैप के द्वारा अब कुछ नई भर्ती कराकर एक नया प्रयोग करना चाह रही है, लेकिन यहाँ आप सबको पता है कि सेड मैप का नाम भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सेड मैप हाल ही में जो एक परीक्षा आयोजित की गई थी जो पंचायती राज के लिए थे, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं दिया है। 50,000 पदों के लिए सेड मैप के मुख्य योजना क्या है, चलिए बता देता हूँ। सेड मैप का कहना है कि अब सेड मैप राज्य सेड मैप का कहना है कि अब सेड मैप राज्य स्तरीय एक परीक्षा आयोजित करेगा, 6 महीने तक के लिए स्कोर कार्ड जारी करेगा। 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश में कई विभागों में जो भर्ती होगी उसी स्कोर कार्ड के आधार पर होगी, है ना। सेड मैप का यह भी कहना है कि अब रिजल्ट में देरी नहीं की जाएगी, रिजल्ट तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा, परीक्षा सिंगल स्टेज की होगी। यह खबर आपको कैसी लगी, हमारे व्हाट्सअप नंबर में आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। हाल ही में पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार मेला आयोजित, ये एक इम्पोर्टेंट मैटर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश में रोजगार मेला आयोजित किए गए थे, बहुत से कैंडिडेट को ऑफर लेटर प्रदान किए गए थे। कुछ कैंडिडेट की शिकायत है कि ऑफर लेटर देने के बाद कोई बहाना लगाकर कंपनी ने उन्हें नियुक्ति नहीं किया है। ऐसे कैंडिडेट की मैं सहायता करूँगा, पूरी सहायता करूँगा, करना चाहता हूँ सहायता। आप e4u.in का ये व्हाट्सअप नंबर है, नोट कर लें, इसमें व्हाट्सअप करें, मैं आप सबकी सहायता करूँगा। क्योंकि मुझे ये कई शिकायत मिल रही है कि मतलब ऑफर लेटर देने के बाद कोई बहाना लगाकर कंपनी उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है। मतलब इससे साफ होता है कि शासन केवल रोजगार का प्रचार कर रही है कि रोजगार प्रदान किया जा रहा है और रोजगार दिया नहीं जा रहा है। हमारा चैनल यूट्यूब चैनल आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे मैं बता देता हूँ। यूट्यूब, अभी तो आप इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं तो आप यूट्यूब में रिमोट ज्ञान सर्च करेंगे, रिमोट ज्ञान, और
उसके बाद आपको रिमोट ज्ञान दिखाई देगा कैसे चलता हूँ करना, काफ़ी इजी है आप।